अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आप बात कर लेते हैं कि हिंदू महासभा हमेशा से चर्चाओं में रहता है और हिंदू महासभा हमेशा कहती आई है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रावास में अराजक तत्व एवं बाहरी लोग रहते हैं और प्रशासन ने भी आज तक नहीं सुना है और विश्वविद्यालय इसको नकारता रहा है। आज की घटना विश्वविद्यालय के मुंह पर तमाचा है। एक बाहरी व्यक्ति की हत्या विश्वविद्यालय के छात्रावास में हो जाती है और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने पीड़ित परिवार से बातचीत करने के बाद कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अराजकता की यूनिवर्सिटी है। मृतक अभिषेक के परिवार जनों का कहना है कि वो कई दिनों से विश्वविद्यालय में अपने मित्र के साथ सुलेमान हॉल कमरा नंबर 100 में रहा करता था और उसी कमरे में उसकी लाश पंखे पर झूलती हुई मिली। आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 306 के मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया जबकि मुकदमा 302 में दर्ज होना चाहिए था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज जिस तरह से एक युवक की डेड बॉडी मिली है, ये इस बात का प्रतीक है कि अखिल भारत हिंदू महासभा की मांग बिल्कुल सही है कि विश्वविद्यालय के छात्रावास में अराजक तत्व एवं बाहरी लोग रहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की इंतजामिया इस बात से सदैव मना करती रही कि ऐसा नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से घटना हुई है ये इंतजामिया के मुंह पर तमाचा है। एक हिंदू युवक जिसका नाम अभिषेक था, पीलीभीत का रहने वाला, जो यहाँ छात्रावास में अपने किसी दोस्त के साथ रह रहा था, उसकी हत्या करके उसकी लाश को टांग दिया गया। ये उस लेटर की तस्वीरें हैं जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है, यानी कि जब ये एफआईआर करवाई गई थी और जो 306 धारा के तहत में इस मुकदमे को दर्ज करवाया गया था, ये उसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि एफआईआर की एक कॉपी है। और एक बार फिर से एमयू सवाल के कट खड़े में है क्योंकि हॉस्टल में छात्रों का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पहले तो बार बार यहाँ ये कहा जा रहा था कि बाहरी कोई भी शख्स अलाउड नहीं है और एमयू के जो सीमा है उस सीमा में तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के अलावा बाहरी किसी भी शख्स को इजाजत नहीं दी जाती है, लेकिन किस तरीके की घटना सामने आई और ये एक बड़ा तमाचा माना जा रहा है एएमयू यूनिवर्सिटी के देखरेख करने वाले लोगों के खिलाफ। तो